हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री एग्जाम पास में। मैं राहुल वर्मा, आज इसमें यूपी ट्रिपल SSC से न्यूज़ है और साथ ही साथ में एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं और कल जो धरना हुआ है 2 मार्च को उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें, अगर आपने अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो स्किप नहीं करना है, पूरा लास्ट तक देखना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। कल जो 2 मार्च को धरना प्रदर्शन हुआ है, इसमें काफ़ी मात्रा में लोग शामिल हुए थे। वो उसका कारण ये है कि अभी जो इससे पहले धरना होते थे तो उसमें 100-150 के करीब में लोग पहुंच जाते थे और उसके कारण जो स्टूडेंट की जो बात है उसको जो विभाग के जो कर्मचारी हैं या बोले तो अध्यक्ष हैं, कोई भी नहीं सुन पा रहे थे। इसीलिए छात्र संघ का गठन किया गया था और उसके बाद ये जो धरने की डेट डिसाइड की गई थी उसके अनुसार जो कल धरना हुआ है, धरना प्रदर्शन में काफ़ी मात्रा में लोग शामिल भी हुए हैं और इस धरने में लोअर PCS, लोअर 2 और ये जो मंडी परिषद है और कनिष्ठ सहायक है और एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट है, गन्ना पर्यवेक्षक है और फार्मासिस्ट, इन सभी जो डिपार्टमेंट के लोग वहाँ पर उपस्थित थे अपनी अपनी मांगों के लेकर। और जो वीडियो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जिन स्टूडेंट का नाम सूची में नहीं है और लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम नहीं है, ये हाल है अधीन सेवा चयन आयोग का, तो वो भी स्टूडेंट वहां पर अपनी मांग को लेकर उपस्थित थे। धरना प्रदर्शन में परसों शाम को ही काफ़ी लोग आ गए थे और बाकी स्टूडेंट जो वहाँ जो पिकअप भवन है वहाँ सब कल ही उपस्थित थे। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग भी आए और अपना धरना करते रहे और धरने में जो सचिव महोदय से बात हुई बड़ी मुश्किल से, तो उनसे जो बात निकल के सामने आ रही है तो वहाँ जो बताया गया है लोअर पीसीएस मंडी परिषद और ये लोअर 2 आदि, इनके जो रिज़ल्ट के बारे में वहाँ से सूचना मिल रही है और उसके अलावा कोई सूचना नहीं दी गई। जैसे वहाँ जो सचिव साहब ने बताया कि जो लोअर PCS है, मंडी परिषद है और इनका जो रिज़ल्ट है लगभग तैयार है और लोअर 2 वगैरह इन पर जो काम चल रहा है और इनके बारे में बताया गया जो इनका रिज़ल्ट है वो मार्च में आने की संभावना है और 15 मार्च के आसपास आने की संभावना ये बताया गया। अब मगर ये मुझे नहीं लग रहा है 15 मार्च के पहले आ जाएगा, क्योंकि पहले तो होली की छुट्टी वगैरह है, इसमें टाइम चला जाएगा और एक आध दिन अगर शुरुआत में ऑफिस खुल भी गया तो ये अधीन सेवा चयन आयोग इतना कौन काम फास्ट अभी तक करते आ रहा है जो हम लोगों का रिजल्ट टाइम से दे पाएगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो आप लोगों ने देखा होगा, इससे मैंने पहले कल जो वीडियो अपलोड की है उसमें भी मैंने न्यूज़पेपर में भी दिखाया था कि अभ्यर्थी इन रिज़ल्ट का वेट करते रहे और वहाँ पर भी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का कोई भी नाम नहीं दिया था। दोस्तों कल जो सचिव महोदय के द्वारा इन रिज़ल्ट को बताया गया कि रिज़ल्ट ये आने की संभावना है और ये रिज़ल्ट पेंडिंग में है बताया गया, मगर वहाँ पर एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के रिज़ल्ट का कोई भी जिक्र नहीं किया गया। दोस्तों एग्रीकल्चर TA का रिज़ल्ट का कोई भी जिक्र नहीं किया गया। मैं आप लोगों को अपने गेस से बता दूं, किसी को डीमोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, मगर आपको अगर पसंद ना आए तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बता दूं मेरे कहने से कुछ नहीं होता लेकिन बहुत कुछ होता है। आप लोग देख सकते हैं जो हो ही रहा, आप लोग सब लोग देख रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का रिज़ल्ट है मुझे नहीं लग रहा कि जून से पहले आएगा। कुछ लोग बोलते हैं अप्रैल से, मुझे नहीं लगता जून से पहले आएगा। उसका रीज़न मैं बता दूं आप लोगों को कि अभी जनवरी में, आप लोगों को पता ही होगा, जनवरी में जो केन सुपरवाइज़र 2016 की वैकेंसी थी उसका इंटरव्यू चल रहा था, उस इंटरव्यू की व्यस्तता में जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कर्मचारी इतने बिजी थे कि जनवरी मंथ का कैलेंडर ही नहीं जारी कर पाए थे। अब आप लोग सोच सकते हैं कि अगर कर्मचारी जनवरी मंथ का कैलेंडर ना जारी कर पाए थे तो आप लोगों को लगता है क्या एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का रिजल्ट आ जाएगा? उसका कारण ये है कि अभी जो ये वीडियो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसकी डेट 13 मार्च से दे दी गई है, 13 मार्च से 2 जून तक दे दी गई है। इतना लंबा टाइम कितने कम स्टूडेंट के लिए, इतना लंबा टाइम, इतने दिन तक वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, क्या आपको लगता है इसके बीच रिजल्ट आ जाएगा? मुझे तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो लापरवाही है और ये जो धीरे धीरे काम हो रहा है उस पर मुझे कोई विश्वास नहीं हो रहा कि रिजल्ट आएगा।
बाकी आ जाए तो सबका भला ही है, क्योंकि काफ़ी दिन से लोग वेट कर रहे हैं। धन्यवाद।